मैं हूँ अभी भोर में, आज मैं जा रहा हूँ सोलो कैंपिंग करने के लिए। ये जो वाइट थीम में बनाया ना भाई, दिल जीत लिया इसने मेरा। एक खास चीज आपको बताता हूँ इसके बारे में, एकदम लेक से सटके है ये। हेलो पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ सोलो कैंपिंग करने के लिए और मैं हूँ अभी भोर में, जैसे कि आप देख ही सकते हो। सो मुझे पता चला कि भोर में एक नया कैंपिंग लोकेशन है, सो मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके कवर किया जाए, आपको दिखाया जाए कि कैसा है वो लोकेशन। मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, मैं पहुँचने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, रास्ते में हूँ। मैंने सोचा पहले कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्यूटी कैप्चर कर ली जाए, काफ़ी सही दिख रहा है ये, देख लो बादल पीछे, एक मिनट रुको। सो ये देखो आज ऐसा क्लाइमेट है, पूरा क्लाउडी है, चारों तरफ बादल ही बादल। ये एक स्पॉट मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं रुका हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज बाइक, कैसा लग रहा है ये बताओ। तो चलते हैं फटाफट से, पहले ये ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो, तब तक मैं पहुँचता हूँ रास्ते में, आपको मिलता हूँ लोकेशन पे जाके, काफ़ी सही दिख रहा है गाइस, सी यू। सो वेलकम बैक गाइस, फाइनली मैं अपनी लोकेशन में पहुंच चुका हूं, देख ही सकते हो मेरे पीछे टेंट है। और एक खास चीज़ आपको बताता हूं इसके बारे में, ये देख रहे हो, ये दिस इज़ द लेक, एकदम लेक से सटके है ये, काफ़ी अमेजिंग है। और यहां पे देख ही सकते हो, देखो ये राइस फील्ड्स, पूरा ऐसा बाली वाला वाइब दे रहा है बाली वाला वाइब दे रहा है एकदम लिटरली। सो लेक साइड कैंपिंग बोल सकते हो इसको, भोर में है हम लोग, मैं भोर में आया हूँ। सो आपको पहले इंटीरियर दिखाता हूँ, ये देखो ये है कुछ टेंट इस तरीके का दिख रहा है ये, बाहर से ऐसा टेंट है और ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है ये। इसकी ना आपको एक खास बात बताता हूँ, तो आपने देखा होगा कि बाकी जो भी लोकेशंस है वहाँ पे अगर ऐसे टेंट्स होते हैं तो वॉशरूम वगैरह दूर होता है, मतलब आपको चल के जाना पड़ता है लोकेशन तक, थोड़ा टेंट के बाहर होता है, रात को इनकेस अगर इमरजेंसी है तो आपको टेंट से बाहर निकल के जाना पड़ता है, नींद ख़राब हो जाती है पूरी। सो इस टेंट में यही खास बात है कि ये देखो यहीं पे, सो यहीं पे है वॉशरूम, देख ही सकते हो आप, ये बेसिन, शावर, फैक्फी, नाइस। सो ऐसा है कुछ टेंट, और यहाँ पे देखो ये कितना क्यूट लगाया है, चूज हैप्पी मस्त। एंड दिस इज द बेड यार, क्या सही दिख रहा है, आप देखो ये अमेजिंग है ना, एक नंबर मस्त। रात को ये सब लाइट जलाएंगे ना, यहाँ पे देखो लाइट्स वगैरह बहुत सारी हैं, ये देखो दिस इज़ माय फेवरेट कॉर्नर ये है, एंड ये देखो काफ़ी अच्छा है ये। कीज़ वगैरह अगर आपको रखने तो रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने बाइक के ग्लव्स और बंजी कॉर्ड्स रखी हुई हैं, तो आपको ऐसा कुछ रखना है तो यहाँ रख सकते हो। अगेन प्लांट भी है यहाँ पे, काफ़ी सही है यार, मस्त टॉवल वगैरह सब दिया हुआ है, मतलब दिस इज़ समथिंग जो बहुत सारे जो टेंट्स हैं या फिर बहुत सारे लोकेशंस हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द गुड लोकेशंस, अगर आप भोर में आते हो तो यहाँ पे आप रुक सकते हो, बाकी और आसपास का शूट करते हैं लोकेशन का। सो जैसे देख ही सकते हो यहाँ पे अभी फ़िलहाल 1, 2, 3, 4 टेंट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे ए शेप्ड टेंट भी हैं, जैसे वो देखो पीछे दिख रहा होगा आपको, उसका भी अंदर का मैं आपको दिखाऊंगा। सो पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा गर्मी लग रही है अभी, धूप हो गई है यहाँ पे, तो ठीक है फ्रेश होके फिर आपको बाकी की चीज़ें दिखाऊंगा मैं। एंड तब तक ये शॉर्ट्स एंजॉय करो गाइस, सी यू। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे टेंट के अभी फ़िलहाल 2 ऑप्शन हैं, एक तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार देख लो जी, एक बार यहाँ से भी देख लीजिए ये है, एंड सेकंड ये है
तो अभी चलते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए, देखते हैं अंदर से कैसा है वो। ये वाला काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, तो ये पहले ये वाला देखते हैं एक बार। एकदम नया लोकेशन है, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे, मैं ही आया हूँ सबसे पहला गेस्ट इनका, तो ये देखते हैं कैसा है। एंड यहाँ से व्यू ये देख रहे हो आप, एकदम लेक, ये देख रहे हो सामने लेक है भाई ये। एंड इसके जैसा ही एक टेंट इधर पीछे दिया हुआ है यहाँ पे। ये दो टेंट हैं, इसमें दो लोग एकोमोडेट हो सकते हैं, सामान थोड़ा सा रख सकते हैं आपका। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अभी बाहर तो नहीं जा सकते, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे जियो का थोड़ा थोड़ा सिम, जियो का सिम चल रहा है, एयरटेल पूरा बकवास बंद हो गया, नहीं चल रहा, कहीं भी नहीं चलता साला। बट जियो चल रहा है थोड़ा थोड़ा, इन कॉलिंग वगैरह कर सकते हो आप। नेट बहुत स्लो है, 2G वाली स्पीड आ रही है, 3G भी नहीं चल रहा, तो ऐसा है कुछ यहाँ पे। तो चाहिए तो यहाँ पे वोडाफोन और आइडिया मेरे ख्याल से चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता भाई यहाँ पे। और आई थिंक ऐसे जगह पे कुछ चलना भी नहीं चाहिए यार, अगर आप यहाँ पे आते हो तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो। तुम्हें मोबाइल में क्या करना है तुम्हें, मतलब शूटिंग वगैरह ठीक है, बट देन नेटवर्क से जितना हो सके उतना दूर रहो ऐसे प्लेसेस पे, एंड स्पेंड सम अमेजिंग टाइम विद योर लव्ड वंस। चीयर्स। गाइज़ पहले ये बताओ लोकेशन कैसा लगा। मैं हूँ अभी भोर में, और भोर में मैं हूँ ड्रीम शोर ग्लैम्पिंग में। ये एक ग्लैम्पिंग एंड कैंपिंग साइट है। यहाँ पे आपको दो तीन टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट जो आप देख रहे हो ये, दिस इज़ ग्लैम्पिंग टेंट, लग्जूरियस टेंट जिसे बोलते हैं। दूसरा है ए टाइप, ए शेप टेंट, जो मैंने आपको दिखाए थे सुबह, वापस एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन है नॉर्मल कैंपिंग, जो टेंट्स होते हैं वो वाला। तीन तरह के यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। प्राइसिंग जो है मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूंगा, लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी रील्स वगैरह के लिए और ड्रोन शॉट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ स्टोरीज वगैरह। कोई भी नया लोकेशन पे अगर मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं वहीं पे अपडेट करता हूँ। एंड आई होप ये लोकेशन एंड ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।